मामला अमृतसर के रामनगर एवीन्यू का है, जिथों की रहने वाली रणजीत कौर राणी नाम की महिला वालों अपने ही रिटायर अध्यापक पति वालों कुटमार करके फरार होने के दोष लगाए गए हैं, जिसके चलते महिला वालों पुलिस कंट्रोल रूम विखे शिकायत दर्ज करवा के इंसाफ की मांग की गई है। इस संबंधी मौके पर पहुंचे PCR अधिकारी ने दस्सिया कि सानू कंट्रोल रूम तो इस महिला रणजीत कौर राणी की शिकायत मिली सी, इसका पति इस नाल कुटमार करके फरार हो गया है, जिसके चलते असी मौके पर पहुंच के देखा कि इसके मुँह पर पति वालों मुक्के मारे का मुँह सजाया गया है, जिसके चलते असी इन्हों डाक्टरी मैडिकल करवाने लिए भेज रहे हैं। इस संबंधी गलबात करद पीड़ित महिला रणजीत कौर राणी ने दस्सिया कि मैं अपने घर में अपनिया 3 बेटिया के नाल रह रही हाँ। मेरा पति जो कि एक रिटायर अध्यापक है, रोजाना मेरे नाल झगड़ा करता है, तो अज भी मैनू कुटमार करके फरार हो गया, तो ना ही वह घर रहा है, ना ही घर का खर्चा दिता है, क्योंकि उसने एक होर जनानी बाहर रखी हुई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को इंसाफ की मांग करद कहा कि उसके दोषी पति से जल्द तो जल्द बनती कार्रवाई की जाए। जे न्यूज़ पंजाबी लई श्री अमृतसर साहिब तो गुरप्रीत संधु की रिपोर्ट। मेरा नाम राणी है कि रणजीत कौर भले वाले खूह राम इनकलेव घर इन्होंने बाहर जनानियां रखिया दो ते बस उधर ही रेंदे पूरा देनी बस रोटी भी खाने रात नू कदी कदाई आउंदे ने तिन्ना कुड़ियां नू कुटदे ने मैनू भी कुटदे ने सारा कुछ ही उधर ही आ। कुछ भी नहीं आ लगते वैसे ही वह मतलब कि अपने आप नू मानदा बाबा वा मैं इनू इन्हों ने घेरे विच लिया है गुमराह किया आ सराड़े भी मैं पैसे भी रखा ना ते मेरे ते हुंदे ने दूने हुंदे हुंदे ने मारे मास्टर सिंह ने मेरे घर घर वाले ने उदन भी सानू कुटिया वा साडा कोट खालसा पुलिस विच वालिया ने फैसला किया सीगा ते पर उन्होंने कोई साडी इन्नी नहीं सुनी भी 30 साल हो गए ने पिंड भी इसे तरह ही लोगों दियां बहणियां च आउंदे सी पढ़ाते ने भिखी विंड स्कूल विच ते रिटायर हो गए ने सारे पैसे इन्होंने दिते ने उन्होंने बाहर वो मतलब कि घर भी साढ़े आउंदी सी ते आंदी भी मैं अपना घर मेरा वा इतो निकलो ते खाली करो फिर भी असी गए थाने गए सीगे ते उन्होंने साडा फिर किया सीगा फैसला तो फिर हूँ किया तो हूँ फिर यो कुछ ही साढ़े नाल चलता मेरिया जी मुन्निया ने 3 हाँ जी हाँ जी वड्डी कुड़ी नू छोटी नू सारे समझता ही नहीं धीं वह भी कुटदा बस उन्होंने पिछे लग के ही हूँ फिर उधरों ही बस आए सी ते बाहरों आए तो गेट खोलिया तो आउंदे सर देखिया भी इह थले कल्ली है ते कुड़ी सीगी कोठे ते उन्हें बस मुक्कियां मेरे मूँह ते मारनियां शुरू कीतियां मेरा गला भी दबाया वा फिर मैं आवाज़ मारी रोंदी रोंदी ने राजू थले आ जा मैनू मार दिता है फिर गली वाले भी सारे कट्टे ते होए हाँ जी हाँ जी फ्रिज में आता रात को सानू डर रहा है कि दुध में ना ना कुछ पा पू जाए मैं ते मेरी कुड़ियां नू मर मुर ना कि डर दे कहिंदा तुसी मेरिया अज तो गा नहीं कुछ भी सानू डर लगता है उन्होंने ही बस कारण उन्होंने ये समय समझदा जनानी मेरी हाँ जी मैं मांग करती हाँ भी मैनू ये बंदा नहीं हूँ चाहिए बस मैं अपने बच्चों नाल रहना खुश वक्री रहना वा ये उन्होंने घर रहा खुश इनू उधर तुम घल दो मैं चाहनी हाँ भी मेरा घर घर जोड़ा आ वह भी ये मैनू दिता जाए ये सानू धमकियां देंदा वा भी घर करो खल खाली कर दो भी मैं तुहानू कुछ नहीं देना भी पर फिर भी सानू साडा घर घर भी दवाओ मेरिया बस मुन्निया है 3 ते मेरा मुंडा नहीं कोई भी हैगा बस मेरे परमात्मा ही आ हाँ जी पेंशन इन्हां नू आउंदी आ सानू पेंशन भी सानू दित्ती जावे ते मेरा घर भी दवाओ मैनू पुलिस नू दस्या सीगा पर उन्होंने साडी कुछ नहीं सुनी राजीनामा कीता सानू इको मोटरसाइकिल ते बहा के इन्ना कुट्टिया भी सानू उसे दिन ही उन्होंने
ਦਿੱਤਾ ਤੇਜ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ਰਮ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਂ ਥੱਲੇ ਸੌਣਾ ਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ रणजीत कौर वालों की जोड़ा मेरा पति है वह कुटदा मारदा वा तंग परेशान करता सानू तो अं मौके पर आए हैं तो बीबी के थोड़ा मूँह तो वजे मुके मके हाँ जी तो इन्हों थाने का क्या वा उतो अपना डाक्टर लै लैन तो जो बनती कार्रवाई होगी कर की जाएगी हाँ जी इन्हों घर वाले ने जी हाँ जी जोड़ा आप हूँ घरों निकल चुका इतों है नहीं गा मौके पर मौजूद है नहीं गा साढ़े वालों सर यो आ भी आन तो अपना डाक्टर लै लैन मैडिकल करवा लैन जिहड़ी भी बनती कार्रवाई होगी की जाऊगी।